हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान अंता से पधारे वरिष्ठ कवि ओम मेरोठा जी। ओम मेरोठा जी से इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही इन्होंने अपनी काव्य यात्रा कब से प्रारंभ की ये भी इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं ओम मेरोठा जी से। मेरोठा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। घनो घनो राम राम भाई जब एसटीएन का सभी दर्शकान और आपने ओम मेरोठा की ओर से घनो घनो प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले तो मुँह आप लोग आप बता एक बधाई देबो चाहूँ जी का आपने जो ई आज का दौर में जो प्रतिभा चे वह प्रतिभा चाहे वो साहित्य का क्षेत्र में हुआ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र में हुआ, चाहे वह और सामाजिक सरोकार का क्षेत्र में हुआ, आप वन जो एक सटीक और शानदार जो मंच दे रहे ई मंच की वजह से और ये यो अशो पवित्र और शुभ काम कारण मुँह एसटीएन टीवी का ताई आप गताई घनी घनी बधाई दी चु आपको। ओम जी, आप आपका जीवन परिचय के बारे में बताओ, कहाँ का जो आप और पढ़िया लिखा कहाँ चा और साथ ही जो यो काव्य को लेखन जो आपने की छत छाया के नीचे खड़ो करो जी भाई। जब निवेदन करूँ मूल रूप से तो मैं सोरसन का रहवाला छ, अच्छा अंता से 20-20 किलोमीटर दूर जहाँ माँ ब्रह्माणी जे की पीठ पूजा हो छे और वो पूरा भारत में ही प्रसिद्ध मंदिर छे। मूल रूप से तो वहाँ का जहाँ लेकिन पिताजी की राजकीय सेवा की वजह से अच्छा वहाँ के साथ रहा। वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में छा तो गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर फार्म छा वहाँ के साथ रहा, तो माँ को जन्म भी कवाई हुई। अच्छा। कवाई माँ की प्रारंभिक जो प्राथमिक शिक्षा हुई कवाई हुई, फिर मैंने 9th छबड़ा से करी और फिर उसके बाद सारी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो 12 से हुई। बिल्कुल। और उनके बाद ही मैंने वहाँ से हायर सेकेंडरी करी 1985 में और 85 में हायर सेकेंडरी करता ही यूँ ही फार्म भर दियो एसटीसी में नंबर आ गया। एसटीसी में नंबर आता ही नानता से एसटीसी कर ली, वहाँ से खड्यार नौकरी ला गया, ज़्यादा पान कतई ना। तो 1987 में फिर मुँह अड़ता अच्छा और अणते आता ही और अणता में मुँह मुंबई साहब का संपर्क में आयो आदरणीय ओम जी सोनी मधुर का वरिष्ठ साहित्यकार जा और उन दौर पर वो आपको जो काव्य का क्षेत्र में जो वहाँ की यात्रा थी वह चरम बची। बिल्कुल सही कह रहे जाओ। और वो देश का एक हसा बोझ का सशस्त्र हस्ताक्षर चाह तो वहाँ का सानिध्य में जब मुँह आयो तो मारे मन में भी एक ललक पैदा हुई। अच्छा खज यार ये भी खा जा तू छे तम टैलेंट छे कान काई तो करो मांडो। तो मैंने 1987 में वहाँ प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लियो। अच्छा। जब थोड़ी सी नौकरी में थोड़ा सा डिले हुए प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लियो तो योगर संयोग भी करे भाई साहब आदरणीय गिरधारी लाल जी मालव जो वरिष्ठ साहित्यकार छे पूरा राजस्थानी का ही अपन बिल्कुल बिल्कुल और सम्माननीय दवाई दुर्गाधान सिंह जी गोड़ या दोयाने बेड़ा में एक स्कूल चला रहा है प्राइवेट। अच्छा। अणताम तो मैं भी प्राइवेट स्कूल जब गणा चुने अणताम में 3 स्कूल छा मैं भी एक शर्मा बाल निकेतन स्कूल में पढ़ाऊ जा उनका पेरेलरी एक स्कूल यो बाल भारती जो यहाँ का आदरणीय गिरधारी लाल जी मालव को और दुर्गाधान सिंह जी गोड़ को। तो जब दोनों स्कूल का स्टाफ का लोग कोई भी कार्यक्रम जो मलचा जुड़ा जा तो मैं यहाँ से घनी प्रेरणा मिली गिरधारी लाल जी मालव सर दुर्गाधान जी बिल्कुल वहाँ से जो प्रेरणा मिली ना वहाँ से ही माँ का अंदर ही लेखनकार बोलबा का अंकुरण फूटिया और उनके बाद मन में अशुभ भाव आतो रहो डेली बरियो डेली बर तो रहो वो खाली कागज पर न उतरे एक डूसो सोक लाग रही। बिल्कुल जहाँ ती कोई सशक्त गुरु जो कोई कोई लेख नहीं पकड़ लिखा बाबू प्रयास बिल्कुल सही कह रहे जाओ वहाँ तीन वो चीज न हुई। उनके बाद मारी नौकरी लागी 1991 में और मुँह आगे बढ़ गयो जब नौकरी कर पाई बपौर का क्षेत्र में तो वहाँ 26 जनवरी को कार्यक्रम हुए तो वहाँ का गांव का मन क्या नहीं हूँ कि गज न आ रही है गुरु जी तो कविता बोलेगा। अच्छा तो आपके लिए हाँ माँ नई स्कूल खोले वहाँ तो वहाँ लोग आने की न यहाँ तो सभी कविता बोले माँ यहाँ तो था ही भी बोलनी पड़ेगी एक दिन फली की है बात
तुम्हारे मन में एक आई मन की आ रही है तो वो गया तो लिखनी पड़ेगी। तो मन भाई जब वहाँ जाए ना तो एक कविता माडी, वह कविता माड, वह कविता तो अलग ही, वह कविता वो गांव का लोगों को जस छो। हाँ बिल्कुल। तो वह कविता तो अलग मारी मन को आगे पढ़ी भी कोई गांव का लोगों ने प्रसन्न करवा का हिसाब से। तो मारी पहली कविता वहाँ सन 1992 में मन वहाँ माडी, यानी जो भरियो जो वहीं खड़ी हो वहाँ खड़ी वो मन वहाँ को देखो और वो देखो। उनके बाद मकपा जो आदरणीय गिरधर लाल जी मालव जा ना वो यही खजा मांडो पाया मांडो माँ खजा गुरु जी का ही मांडा खज दिख जे मांडो जिथा ही दिख ना वही मांडो। तो गाणी नाव चो संकट हो गयो, गीत भी मांडवा को प्रयास करियो शुरू में पर गाणी नाव लय ताल को ज्ञान को नहीं। तो मैंने तो फिर भी वर्ष मांडया, फिर व्यंग मांडया आदरणीय नेमीचंद जी मालव माँ के पाटुंदा का अणता के पास बहुत वरिष्ठ और सशक्त व्यंगकार चा। मन वहाँ से प्रेरणा ली और वहाँ से प्रेरणा लिया के बाद मारा ही समकक्ष काशीपुरा का जो दिवंगत मारा मित्र चा परम भाई दिनेश मालव सशक्त व्यंगकार चा, यहाँ ने प्रेरणा दी उम जी आप तो जो ना व्यंग मांडो। तो मन व्यंग मांडया और व्यंग मांडता मांडता भाषा थोड़ी सी सटीक थी तो मैं फिर मंच संचालन का क्षेत्र में भी चले। आज बहुत सारा राजकीय अराजकीय सामाजिक जितना भी मंच है वो मंच संचालन भी करा जा और कविता का मंच यहाँ पर भी जने जो मंच संचालक का रूप का भी पाठ भी करा जा चाल रहे जा। तो ओम जी आपने खी की विधा में लिखियो, आपने बताया कि व्यंग भी मैंने लिखिया, इसके अलावा आप कैसी कैसी विधा में आपने आपको लेखन जारी रखे? व्यंग ज़्यादातर तो व्यंग ही लिखा भाई साहब क्योंकि गाणी ना हो तो फिर मनो क्षेत्र में ज्यादा मेहनत भी न करी। अच्छा। और इम पान ना हो हमारा तो मान वही हो चाहे का आप जो देख रहे जो उन्हें सटीक सटीक भाषा में जमा लिख दो यो प्रीवर्स और यो व्यंग हो जाओ चाहे। और वास्तविकता भी आज यही छे जो समाज विसंगतियाँ की ऊर्जा रही बिल्कुल मारो मन तो ज्यादातर वहीं व्यतीत हो समाज में विसंगतियाँ चे साहब अपन पश्चिम की आड़ी जहाँ कर जाने जी वहाँ की नकल करता हुआ अपन भेषण का नाम पर घनी सारी पुअरता बिल्कुल सही कह रहे घनी सारी पुअरता कर रहे। मुँह संस्कारी की ही बात करूँ जो मन चाह पाई भले ही हास्य की बात करूँ बिल्कुल बिल्कुल लोगों को मन रह चाहे वो रखान बखान कर दे जा लेकिन मैसेज मारो यही रहो कि हमेशा ही अपन संस्कार की बात करें। यही क्रम में मैंने एक व्यंग लिखो और वो व्यंग लिखो आड़ोती में ही लिखो आपको तो नहीं 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 सुनो आप तो बिल्कुल सुनो। एक व्यंग छे अपना संस्कार या कहे छे कि बेटी जो जो बड़ी हो वह उनका डील का लगता भी उनका हिसाब से बड़ा होनी चाहिए बिल्कुल यो तो अपना संस्कार छे बहुत सही। लेकिन ये पाछली जो बाढ़ चल रही छे ना भाई साहब ये पाछली बाढ़ ना उल्टो कर दियो भाई को डील तो बड़ो हो रही छे लेकिन उनका डील का कपड़ा को नाप न बदल न बदल यह बड़ी शर्मनाक बात छे बिल्कुल यह बहुत चिंतन को विषय छे। मन ही पे एक व्यंग लिखियो साबुन दो हो भी करे एक ना बाको री कपड़ा दो बा या दो ही साबुना का माध्यम से मन एक व्यंग उठायो निवेदन का एक बाथरूम की साबुनदानी में एक बाथरूम की साबुनदानी में कपड़ा धोबा को साबण सराणो लगा खड़ो छो तो ना बा को साबण उल्टी करो ऊंधी करो टपड़ियो छो। एक बाथरूम की साबुनदानी में ना बा को साबण कपड़ा धोबा को साबण सराणो लगा खड़ो छो तो ना बा को साबण ऊंधी करो टपड़ियो छो। तो कपड़ा धोबा का साबण ना बा का साबण सब पूछी भाया कशा उदास छे अरे तू तो रोज मकमली डील पर फरे छे फिर भी क्यों निराश छे। तो ना बा को साबण बोलियो दादा मन को घाव मन ही जाने छे दादा मन को घाव मन ही जाने छे अरे तई तो दिखे छे मखमली पर मारी काया जाने छे अरे कोई का डील सू अड़गस बड़गस का यो लुप्त हो तो शब्द की साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं अरे कोई का डील सू अड़गस बड़गस का अरे कोई का डील सू आग मटेटा का दाग धो चू तो आदि काया रजाव छे निकल लेके साबुनदानी में बट रू। वाह बहुत बढ़िया। ना बा को साबण बोलियो भाया या कसी बड़ी बात छे यो तो आपनो काम छे इमे काई की पिकास। तो नवा गोसा पण बोल्यो दादा थमा और ममा गणो फरक छे दादा थमा और ममा गणो फरक छे अरे मु तो एकलो छु थारी लेना तो सर्प छे।
नाबा को विकल्प कोई ना साहब, कोई कहे शैम्पू शैम्पू से बाली तो पाया हूँ बिल्कुल कपड़ा ना तो सेम विकल्प एक नाबा को साहब नहीं चे सही है कपड़ा कान तो सर्फ चे दादा धमर मम्मा गणों फरक चे अरे मु तो एक लो चू थारी ले रहा सर्फ चे बाया धन सुधर गया थारा नाबा को साबण कर दादा धन सुधर गया थारा न तो तू भी गणो रो चो जब कोई जमाना में अस्सी कड़े को घाघरो और 7 मीटर की साड़ी दो चो वाह बहुत दादा धन सुधर गया थारा जे न तो तू भी गणो रो चो जब कोई जमाना में 80 कड़े को घाघरो और 7 मीटर की साड़ी दो चो बाया ए बीरा फुनगा फुनका राखी सावंत और मल्लिका शेरावत का वाह बहुत बढ़िया दादा गुण गा राखी सावंत और मल्लिका शेरावत का जान 10 मीटर का कपड़ा कर दिया आधा मीटर का जान 10 मीटर का कपड़ा कर दिया आधा मीटर का जान 10 मीटर का कपड़ा कर दिया आधा मीटर का यो व्यंग चे भाई साहब इसे यही निवेदन करो जो आप या 10 मीटर का कपड़ा ना भलाई 10 मीटर का मत रखा पर थोड़ा सो डील तो डाको सही नहीं नहीं बहुत बढ़िया व्यंग्य ये आज जो बिल्कुल समाज बहुत बढ़िया आप ओम जी आप शिक्षक चो सरकारी जी भाई वो कब इतना समय आज का शिक्षक के दौरान समय न मिल पाओ कशा तो आप अपनी काव्य यात्रा न जारी रखो छो भाई जब समय तो घाट नहीं पड़े छे समय तो आप मुँह आपसे एक निवेदन करूँ 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ये धरती से पधार गया जन अतनों कुछ ही संसार ही दे दियो तो वन भी मन तो यहाँ चीजें से प्रेरणा लीजिए समय तो घाट नहीं पड़ोगे आप समय घाटा मुँह हमेशा भाई जब मारो नियम चे सर्दी हो गर्मी हो मुँह 11 बजे का पढ़ी ना सुन मारो काम चे स्वाध्याय या तो पढ़ूँ या न पढ़ूँ तो काहे न मल्ल तो कान का पावना पीर में चल जाऊँ काहे न मल्ल ना तो पराण अखबार ही फटा एक वो स्वभाव में चे तो स्वाध्याय जरूरी है और इस स्वाध्याय की वजह से खान कान लोग ने सुना चा हरिशंकर परसाई ने सुनियो वहाँ न पढ़िया पुराना लेखक आपने राजस्थान का हाड़ोती का इस क्षेत्र का जो मान्यता लेखक जो वहाँ की किताबें पढ़ा जा तो खान का यह प्रेरणा मिले चे और खान का लिखबा को एक प्लेटफॉर्म मिले चे वो लिख ले जा री बात शिक्षक का काम की वो तो काम करनो ही चे राज की सेवा चे इसके साथ साथ मरता ताई जी ने जी चुनाव मर या मर क्योंकि थोड़ा सो बोर को जाना जाना तो ये अबर ये साल भी मुँह ये मान लियो ये दोनों चुनाव मलर मुँह 4 महीना प्रशासन का साथ रहो तो समय को अभाव चे हालांकि पर फिर भी खाट लें जा वही साहब ये साहित्य जरूर मन चे बिल्कुल तो स्वीप में भी था ना कई रचनाएं वचनाएं तो सुनाई होगी मतदान के लिए के भाई मतदान करवा जाओ मतदान करवा स्वीप ब्लॉक स्वीप प्रभारी का रूप में मैंने विधानसभा में काम करियो अच्छा और लोकसभा में भी काम करियो मुँह एक और निवेदन करो भाई जब स्पेशली जिला कलेक्टर महोदय ना मरता ही पिछली विधानसभा में भी सम्मानित करियो ये लोकसभा चुनाव में मागा 12 जिला की चार विधानसभा छे एक मागे लोकसभा में 12 जिला में चारों में 3 को 5-5% डाउन रियो अच्छा मतदान केवल माँ की एक अंता विधानसभा जिम्मा 1% बढ़ियो अच्छा। मारो तो मान भू छे 5% तो मान वो कवर करियो 1% बढ़ाए बहुत बढ़िया तो ये स्वीप में घनी सारी गतिविधियां करी ये बीच में भी राजकाज न महत्व देता पिताजी पधार गया ये गतिविधि के बीच में ही अच्छा 2-3 दिन को ही गेप करियो मन अभी राजकीय कर्मचारी तो कहाँ से अवसर मिल बीच में भी काम करियो और स्वीप गतिविधियां भी करी छे बहुत बढ़िया कोई भी और व्यंग्य आपके पास हो सुनो मन के साथ साथ भाई जब संदेश परक व्यंग लिखे हाँ बिल्कुल वही चीज तो, जो अपन तो यही मन बालिका शिक्षा पे भी काम बालिका फाउंडेशन हाला ने भी मारता ही सम्मानित करो बालिका सशक्तिकरण में भी मारता ही सम्मान मिलो छे तो मारो मन भी रहे छे कि बिल्कुल बिल्कुल आज का दौर में भलाई अपन यहाँ सीमेंट का कंक्रीट वाला जंगला में रहा चाहना शहरा में वहाँ भलाई महिला की स्थिति अच्छी होगा सुदृढ़ होगा लेकिन आपने जब ग्रामीण परिवेश की ओर चला जा समाज का कई दबकाना देखा जा तो वहाँ महिला की स्थितियाँ थोड़ी सी विचार चिंतन योग्य मन हूँ महिला पर एक हूँ ही मोटिवेट करता हुआ एक व्यंग लिखो जे और वो व्यंग हूँ निवेदन कर पूछू बायर को हंसबो जेड़ू नाम धराती शुद्ध आड़ू तीजे साहब ये शब्द वश है जाना बुलाई आजकल लोग यूँ सुनता हो तो यूँ सोचता होगा यार ये कैसा शब्द लेकिन ये सब
चाल चलन का शब्द बिल्कुल आपने माइंड भाषा का चाल चलन का शब्द बायर को हंस बो जेड़ू नाम धरा दे बायर को बेपरवाह चाल बो छंद्याल खुआ दे बहुत बायर को नाच बो बीजल बता दे बायर को बेरोक टोक आबू जाबो फूडेल नाम धरा दे बायर को प्रेम करबो कुल्टा की संज्ञा मलबो छ बायर को प्रेम करबो कुल्टा की संज्ञा मलबो छ बायर को सवाल करबो विद्रोह छ समाज के लेखक बिल्कुल बायर को सवाल करबो विद्रोह छ समाज के लेखक पण तू तो समझे छ ना भाई भाई महिला से करू जमू पण तू तो समझे छ ना भाई ये सब आदमी का जाल छ तर ताई पांव की जूती बना रखान बखा ये सब आदमी का जाल छे तर ताई पांव की जूती बना रखान बका अरे तू तो हांस ठकारो लगार जे डूंगरा में जाया बोल जा अरे तू तो हांस ठकारो लगार जे डूंगरा में जाया बोल जा तू तो चाल मस्त और जे हतनिया भी जाग जा सुन तू तो नाच जे थारी ले रहा आंबा लीमड़ा भी झूम जा तू तो नाप धरती का ऊणिया कूणिया ने अरे मांड द मंडान थारी पगतलिया का अरे तू तो पूछ थारा पर्सन अरे तू तो पूछ थारा पर्सन जन डूजा लगा रखा जे थारे जुगासू जे कपा दे गोलियां आदमी की भाई तू तो निश्चल प्रेम कर आत्मा सू क्योंकि लोग अब तो प्रेम कर बो ही भूल गया क्योंकि लोग तो प्रेम कर बो ही भूलता जा रहा छे अरे उठा कलम और कर दस्खत थारी खुद की कॉपी पर तोड़ दे जेवड़िया नकली मर्यादा का नाम की और बता दे कमू सक्षम छू न छाव नकली मोर थारा नाम की न छाव नकली मोर थारा नाम की बहुत बढ़िया यो मोटिवेशन करतो हो थोड़ो सो एक प्रीवर्स से हां हां गोत को एक और हां सुनाओ बाय महिला को श्रृंगार आभूषण से हो जे भाई साहब भाई जम अपना पुराना जमाना का जो कई सारा श्रृंगार छे आज तो बदल गया आज मनक बदल गया मनकपणो बदल गयो रीत रिवाज रकान सारे बदल गया तो वहाँ का आभूषण भी बदल गया लेकिन जो पुराना का आभूषण थे वो मन ही नज़र से देखा और वो नज़र से देखकर उन महिला के ताई एक नयो संदेश देवा को प्रयास करियो एक और संदेश पर एक व्यंग मुँह आपसे निवेदन करूँ एरी बना हाल ताई अणजान छन तू एरी बना हाल ताई अणजान छन तू जे बना राखी छे अबला माथो गुतवार जे सोच न सके आछो बरो पहली माथो गुताओ जे यहाँ वो गूंद से गोटो चपका मीडिया बांधे जा दो दो महीना ताई महिला माथो न नाव मुझसे माथो गुतवार जे सोच न सके आछो बरो नाक छिद्वार जे कर न सके आदमी सु ऊंची नाक छिद्वार जे कर न सके ऊंची आदमी सु कान फुडवार जे सुने न समझे भला की बाता गला में पहरा दी खुंगाली न उठा सके गर्दन जे पुरुष का आगा गला में पहरा दी खुंगाली जे न उठा सके गर्दन पुरुष का आगे कायरता की सैलानी हाथा में चूड़िया कायरता की सैलानी हाथा में चूड़िया न कसले कमर जे लगा दी रोक चांदी की कनकती सू न कसले कमर जे लगा दी रोक चांदी की कनकती सू चाल न दे खुद का बनाया गेला पर चाल न दे खुद का बनाया गेला पर जीसु पहरा दिया पावा में झांझर जोड़ कर न दे आदमी की नकली शान में और तो और थारी आंगला भी न छोड़ी रही और तो और थारी आंगला भी न छोड़ी रही मन की डरचो न कर न दे आंगली मारी नकली शान में कर न दे आंगली म आदमी की नकली शान में पण बना अब तो चेत पण बना अब तो चेत खोल दे भेजा की खड़कियां और सोच कशा होगी थारी ऊंची नाक पर बना अब तो सोच खोल दे खड़कियां और सोच कशा होगी थारी ऊंची नाक काना का डूजा खोल और सुन आगे जाबा की बाता खोल और फेंक दे खुंगाली न और उठार चाल कर दन स्वाभिमान सु उठार खोल और फेंक दे खुंगाली न और उठार चाल गर्दन स्वाभिमान सू भरिया रे चूड़िया पण पान ला पूंचा म भरिया रे चूड़िया पण पान ला पूंचा म कसले कमर अर तोड़ दे झूठी मर्यादा की बेड़िया ने चाल नेकी सू खुद का बनाया गेला प आंगलिया के अंगूठिया ने खोल अर मल द एक नयो प्रयोग करो जे वचन आंगलिया के अंगूठिया ने
खोल और मल दे और दौड़ा दे कंप्यूटर का कीबोर्ड पर। आंगला की अंगूठिया ने खोल और मल दे और दौड़ा दे कंप्यूटर का कीबोर्ड पर, जिसे तू बन सके अबलासु सबला, जिसे तू बन सके अबलासु सबला, जिसे तू बन सके अबलासु सबला। बहुत बढ़िया व्यंग आपने सुनाया ओम जी। ओम जी, आपने ये सब लिखिया जे तो यह कोई पांडुलिपि तैयार करीजिए जो ताकि प्रकाशन के रूप में कोई पुस्तक आप ला रहे हो कहीं के मानस आपको। इक बात भी भाई साहब मारे जना मुख्य गो सेवक छू, मारे गाय गाय मारे जने जो घर में मारा परिवार का सदस्य के नहीं रहे, उनको नाम छ गोरी। अच्छा, मन गोरी पर भी संस्मरण लिखा छ। मारो आज भी ये सब मारा मित्र लोग जतना भी मारे घर न जाओ, मारे गोरी मारा गद्दा पर वहाँ घर में जहाँ मारो मारो बेडरूम छ वहीं बैठा जा, बारो भी वहीं बैठी। अच्छा, पर वीडियो कॉल कर देखेगा मारा बेडरूम में बैठा जा। अच्छा, और उनको मारा स्नेह छ, मन ऊपर भी फिर गद्दे की ओर मुँह चल गई। अच्छा अच्छा, मन घना सारे गद्दे लिखा, संस्मरण भी लिखा, मन ख्याण भी लिखी, आड़ूती केवट जी, दाजी पटेल जी बाप, अच्छा कि मैंने जो अपना लौकिक बुआर में जो गाँव में जो देखा ना बिल्कुल वो मन ख्याण भी लिखी। धीरे धीरे मुझे सोच रही हूँ हाल तो ये डायरिया में। अच्छा, काचा कागज ही हाल इनको पूरा जब एक खाको तैयार करूँ तो ये सोच रहे जाए सब न मलार अलग अलग कर, कुछ व्यंग छे वहाँ को अलग, कुछ क्याणिया छे वहाँ की 10-12 क्याणिया हो जाओ, 5 यानी गद्दे और पद्दे दोनों अलग अलग हो जाओगा है ना। तो वो जब थोड़ी सी फुर्सत मिल जाओगी 2027 में पेंशन जाए उनके बाद भगवान ने चाही जाए तो यो यहाँ को प्रकाशन को काम कराना। ओम जी, आपको कहीं मान बोझे के साहित्यिक यात्रा आपकी अनवरत जारी रहेगी या मतलब ये समय का साथ इन्हें थाम लेगा? भाई साहब यह यात्रा मुझे जारी रखना पूछाऊंगी। अच्छा, कारण यो छे कि माँ की जो अनता की धरती छे यह वह उर्वरा धरती छे साहब, जहाँ राजस्थानी मायड़ भाषा का ताई वहाँ से एक सशक्त ऊर्जा मिल छे, वो परिक्षेत्र यू माने गए समस्त जो हम अपनी हाड़ोती का जो साहित्यकार बंधु भी छे वो खान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अणता की धरती से मान प्रेरणा ली छे, पोषण ली। बिल्कुल, वो एक तरह से टकसाल रही छे। वहाँ आदरणीय गिरधारी लाल जी मालव का अंतिम शब्द भी यही रह छा भाया वो मारता रही जो हाड़ोती मायड़ भाषा में मारता रही, मानव वहाँ का पद चिन्ह अप चालर यू प्रण कर रहा क्यों छे, जतनो शोक भी मंडक जशा भी टाइम मल आप इन्हें मारता ही रहेंगा और मारता ही रहेंगा मारता ही रहेंगे और यो प्रभु इच्छा ताई छे जहाँ ताई रहेगी मारेंगे। नहीं, आप लोगों ने वहाँ एक साहित्यिक संस्था चला रखी थे उसको आपका जो इलाका को बहुत बड़ो मान साहित्यकारा को लिए छे उमा मतलब की तरह का साहित्यकारा के ताई आप आमंत्रित करो छो और कितनो आनंद हो जे? भाई साहब, अनंत साहित्य समिति का नाम से माँ की एक संस्था छे, यह संस्था एक पहली कई वर्षा पहली से आदरणीय गिरधारी लाल जी मालव, दुर्गादान सिंह जी गोड, नाथूलाल जी निडर, यह लोगों ने मलर यह संस्था बनाई थी और वहाँ से एक कचनार नाम की पत्रिका भी आड़ूती भाषा की राजस्थानी भाषा की खड़ी जी को पूरी राजस्थान में बड़ो मान रही मना बड़ा सम्मान के साथ लोगों ने याद कर जा, लेकिन समय के अनुसार वह थोड़ी सी एक उम्र कमी आई, पत्रिका भी बंद होगी। अनंत साहित्य समिति को संचालन लगातार चाल रू है और अनंत साहित्य समिति का अध्यक्ष माँ का आदरणीय भाई साहब ओम जी सोनी मधुर पली गिरधारी लाल जी मालव छा, वहाँ का प्रस्थान करवा के बाद ओम जी ने वह कमाल संभाल रखी है। वहाँ 5-7 जना छा जो मुख्य रूप से तो वह और साहित्य का जो प्रेमी लोग छे नगर का वो माँ को सपोर्ट करे जे। मैं हर साल आदरणीय गिरधारी लाल जी मालव की स्मृति में एक कुंपड़ नाम से एक सम्मान समारोह भी आयोजित करा जाए, उन सम्मान समारोह में जो श्रेष्ठ हाड़ोती मायड़ भाषा का जो रचनाकार छे मगताई माँ एक सम्मान दिया छा, उमें 11,000 रुपया नगद श्रीफल मानपत्र दिया छा। एक अतिरिक्त फिर बीच में माने या सोची ओम भाई साहब को एक विचार आयो का अपन ने ये साहित्यकार ने दिया क्यों ना अपन और दूसरा लोगों ने भी खान का ही संस्था से मोटिवेट करा, लाभान्वित करा और एक नई ऊर्जा पैदा करा, तो माने एक अनंत रत्न नाम की एक और सम्मान बिल्कुल वो शुरू करियो जिम माँ का अंता का जो गौरव छे सोरसन माता जी मग बगा कलिको मंदिर छे अंता में वो और मग नागदा का शंकर भगवान और ये 3-4 चीज़ों को चित्र हूँ एक फ्रेम पर लगा मान पत्र के माध्यम से सापा के साथ हूँ वहाँ को सम्मान करा जहाँ
यू हमेशा ही माँ अक्टूबर नवंबर में यू जैसे अभी बहुत बड़े समय उचित लागे छे ना ये गिरधार लाल जी मालव की स्मृति में ही करी जाओ छे मका सुपुत्र भाई चेतन मालव वही में आर्थिक सहयोग रहे छे अभी कराचा सभी मलर जो कार्यक्रम हो जे और पूरा राजस्थान का लोग उन सराव छे बहुत बड़े ये चा माँ के साथ अंताशु पधार्या वरिष्ठ कवि ओम मेरोठा जी। ओम मेरोठा जी शिक्षक छे और मंचा को संचालन भी करे छे और बढ़िया व्यंग व्यंग्य लिखे छे समाज के ताई सही दिशा देवा के लिए और यहाँ को मानबो छे कि यहाँ की साहित्यिक यात्रा अनवरत जारी रहेगी और जल्दी यहाँ की ये कोशिश कर रहा छे कि एक पुस्तक आओ जो यहाँ ना जो गद्दे पद्दे जो भी लिखे छे उसकी पुस्तक के लिए प्रयास कर रहा छे। आज ये अपना स्टूडियो में पधारिया आपको घणो घणो धन्यवाद भाई साहब आपको आपकी पूरी टीम को घणो घणो धन्यवाद आपने मां जैसा लोगों ने याद करियो और यो मंच दियो आपको घणो घणो आभार और ईश्वर से प्रार्थना करा एसटीएन चैनल हमेशा ही साहित्य के प्रति सजग रहे और मंगल कामना के साथ धन्यवाद।